हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। आज की रेसिपी है स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा, और ब्रेड पकोड़े को हम चिली सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकोड़ा। स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 4 स्लाइस वाइट ब्रेड के। ध्यान रहे, हमें यहाँ पर वाइट ब्रेड का ही यूज़ करना है। इसके बाद में हमें चाहिए 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, और यहाँ पर 1 टीस्पून लेंगे हम ग्रेटेड जिंजर, रेड चिली पाउडर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक भी ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप बेसन, और बेसन की क्वांटिटी हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब हम ब्रेड पकोड़े को कोट करेंगे तो उसके लिए हमें बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर मैं 2 लार्ज साइज़ के उबले हुए आलू ले रही हूँ, पानी लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम बेसन ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद में लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। अब पानी ऐड करेंगे, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। थोड़ा सा हमें थिक बैटर बनाना है, क्योंकि जब हम ब्रेड पकौड़े की कोटिंग करेंगे वो थोड़ा सा थिक हो तो तभी ब्रेड पकौड़ा अच्छा बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, और ध्यान रहे कोई लम्ब्स ना रहे। तो जो भी पानी का यूज़ होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो इसी तरह से हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप इस बैटर के अंदर चुटकी भर हल्दी या फिर कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं, जो बेसन के अंदर लप्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बेसन का घोल हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो 1.5 कप मैंने बेसन लिया था उसके अंदर जो पानी का यूज़ हुआ है वो आधा गिलास के करीब हो गया है। तो अब हम इस बेसन को फूलने के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो उबले हुए आलू लिए थे इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, या तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मैशर से मैश भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और ये ग्रेटेड जिंजर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं, और बैटर के अंदर जो बेसन है वो अच्छे से फूल चुका है। आप इस बैटर के अंदर चाहे तो चुटकी भर हल्दी या फिर कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो बेसन है बैटर के अंदर वो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस बैटर को इस तरह से फेंट लेंगे। इससे ब्रेड पकौड़े की जो कोटिंग होगी बेसन की वो बहुत अच्छी होगी, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की हो जानी चाहिए। तो चलिए अब हम ब्रेड के अंदर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लाइस ले रही हूँ ब्रेड का, 1 स्लाइस ले रही हूँ। इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग करेंगे, और आप चाहे तो आलू के अंदर प्याज या फिर जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इस तरह से अच्छे से स्टफिंग करनी है चारों तरफ से। अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है वो अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब एक नाइफ से इसको इस तरह से बीच से कट करेंगे, ट्रायंगल शेप दे देंगे हम। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप हमने दे दी है, और ये देखिए जो बीच से स्टफिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। और दूसरी जो हम स्टफिंग करेंगे ब्रेड की वो भी इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ब्रेड की स्टफिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इनको बैटर में डिप करते हैं। तो जो हमने एक तैयार किया है ब्रेड, उसको इस तरह से हम डिप करेंगे बेसन के अंदर, चारों तरफ से अच्छे से हम कोट कर देंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल बहुत गर्म करना है हाई फ्लेम पर, और जो हमने ब्रेड तैयार किए थे वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से डाल देंगे बहुत सेफ्टी के साथ।
और मीडियम फ्लेम कर देंगे, और दोनों साइड से हमें इनको हल्का सा ब्राउन करना है, और हमें इसको ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि जो बेसन है अंदर वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारे जो दो ब्रेड है वो तैयार हो चुके हैं, इनको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी के दो भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमारे ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है, तो चलिए इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको काटने का तरीका भी बता देती हूँ, इस तरह से बीच से हमें कट करना है। और ये देखिए अंदर से जो स्टफिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, आप इसको टमाटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।